आज की ट्रेड एनालिसिस शुरू करने से पहले अभी जो भी हम डायग्राम बनाएंगे उसके थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो जो ट्रेड हमने आज के दिन एग्जीक्यूट किया वो समझना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि प्राइस का ये एक अप मूव अगेन ये डाउन मूव, अप मूव डाउन मूव और अगेन अप मूव। ये वाला जो अप मूव है इस पूरे डायरेक्शन के दौरान मार्केट ने एक अपर साइड का मूवमेंट हम लोगों को शो किया। अपर मूवमेंट शो करने के बाद में एक हाई लगता है इस वाली कैंडल के माध्यम से और ये हाई अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। सिर्फ और सिर्फ आज के ही ट्रेड को लेकर के नहीं, कोई भी ट्रेड आप एनालाइज करो, किसी भी स्टॉक का एनालाइज करो, सेम कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ समय बस मार्केट को दो, थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट करो, धीरे 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 चीजों को पकड़ने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो। बिकॉज चार्ट से ही प्राइस एक्शन है, ये आपके एक एक स्टेप आगे बढ़ने से आएगा, अचानक से एक ही दिन में नहीं आ जाएगा कि आपने रात में पढ़ा सुबह उठे तो आप प्राइस एक्शन में मास्टर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोज रोज थोड़ा थोड़ा आपको गेन करना होगा, एक लेवल पर आ जाने के बाद में आप धीरे धीरे इसको रीड करने लग जाओगे। अब देखिए जैसे कि मार्केट ने यहां पर एक अप मूव दिखाया, दो चीजें समझिएगा, एक तो अप मूव यानी कि जो हाई लगा है हमारी इस ग्रीन बेयरिश कैंडल से लगा। अभी बेयरिश कैंडल क्यों इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए? बेयरिश कैंडल सिर्फ इस वजह से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से मार्केट ने एक गैप अप लगाया, एक गैप अप दिखाया, बट इस गैप अप के बाद में मार्केट हमारी नीचे की तरफ गिर गई और नीचे सिर्फ यहीं तक नहीं गिरी है, ये और भी नीचे की दिशा तक हमारी मार्केट आई थी। ठीक है, हम मान करके चलते हैं कि प्राइस ने एक लो यहां तक लगाया। ये जो एरियाज बन रहे हमारे ये मेरे रीडिंग के एरियाज हैं, क्लियर? अब इस वाली एक कैंडल का हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इस पूरे बुलिश मूव के दौरान जो लास्ट हमारी एक बुलिश कैंडल होगी उस एक कैंडल का हाई और लो मेरा इंपॉर्टेंट होगा, क्लियर? बहुत सिंपल वे में हम आपको समझा रहे हैं कि इस पूरे मूव के दौरान जहां पर मार्केट ने गैप अप करने के बाद में एक बेयरिश कैंडल हमारे लिए फॉर्म की, एक बेयरिश कैंडल फॉर्म की, इस बेयरिश कैंडल ने क्या किया कि ओपनिंग अप साइड की तरफ तो दिखाई है बट क्लोजिंग डाउन साइड की तरफ हो गई। यहां पर इस एक कैंडल का हाई, एक रेजिस्टेंस इन फ्यूचर बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकता है और इसी के बाद में जो दूसरी मेरी इंपॉर्टेंट कैंडल बनेगी वो इस पूरे मूव के दौरान हुई सबसे लास्ट कैंडल जो बुलिश कैंडल थी। अब हमारे लिए इस बुलिश कैंडल का हाई या फिर इस बुलिश कैंडल का लो, ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाए। अब बात करते हैं आज के केस की। देखिए आज मार्केट ने क्या किया है, इस एक कैंडल के हाईज और लोस को हमने जिस तरह से अभी हमने बताया मार्क किया, अभी चार्ट पर चलेंगे तो और अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको हमने मार्क कर लिया, मार्केट ने क्या किया, अब ये हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ये हमारी, ये मेरी डे टाइम फ्रेम एनालिसिस है। प्राइस जब हमारा हमारी इस रेंज के पास आता है तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, जरूरी नहीं है कि प्राइस हमारी इस रेंज के पास में और गिर ही जाए, यहाँ से अपसाइड की तरफ भी तो जा सकता है बिकॉज ये लेवल्स हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अगर प्राइस हमारा इस लाइन के ऊपर है तो सपोर्ट वर्क करेगा और नीचे होता है रेजिस्टेंस, सिंपल है। अब देखिए अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, यहां से प्राइस अपसाइड की तरफ निकल जाएगा अपनी कैंडल्स के हाइस को ब्रेक करते हुए लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। ये तो हो गया हमारी एनालिसिस डे टाइम फ्रेम की। अब जब हम इस पर लोअर टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं, अब मान के चलिए कि ये हमारे लोअर टाइम फ्रेम का हम यहाँ पर कोई डायग्राम अगर हम क्रिएट करते हैं तो क्या हो सकता है कि प्राइस हमारा उस लेवल तक जाए और ऊपर की तरफ निकल जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर अपनी कंफर्मेशंस लेकर के बाय कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर गिरना है तो क्या करेगा, मार्केट में यहां से आपको रिजेक्शन शो हो सकते हैं। अभी हमने कहा ना सिर्फ यही स्टॉक नहीं कोई भी, यहां से आपको मार्केट में रिजेक्शन शो हो सकते हैं और मार्केट अपने हाईस को ना ब्रेक करते हुए प्राइस अपने लोस को ब्रेक करेगी। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाइएगा, बहुत सिंपल है। जस्ट आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी होगी। ड्रॉ करने के बाद हमें यह देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम पर वहां के रिजेक्शन किस तरह के हो रहे हैं, वहां पर मार्केट आकर के किस तरह का रिएक्ट कर रही है। यहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। अब अगर मार्केट को डाउन साइड की तरफ जाना है तो वो क्या करेगी, पहली चीज तो रिजेक्शन शो हो सकते हैं, दूसरा मार्केट सपोर्ट्स को बिल्ड करके डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट कर सकती है, थर्ड क्या हो सकता है, मार्केट अपने लोस को ब्रेक कर सकती है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, या फिर मार्केट यहां से क्या करे, अगर इसको ऊपर की दिशा में निकलना है तो ये यहां से डाउन साइड की तरफ रिजेक्शन दिखा सकती है या फिर हाइज के स्विंग्स क्रिएट करके ऊपर की दिशा में निकल सकती है इस तरह से, या फिर अपने कैंडल्स जिस भी कैंडल का हाई होगा उस कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, दो ही चीजें होंगी। अब अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो अपोजिट सिम्टम हमको मार्केट दिखा सकती है, यानी कि अप डायरेक्शन से हमें रिजेक्शन
और लोस से स्विंग्स के ब्रेकआउट या फिर कैंडल्स के लोस के ब्रेकआउट। इतनी चीज क्लियर। देखिए दो चीजें हो गई, डेली टाइम फ्रेम पर हमने ये देखा, हमने अपने लिए एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट निकाले, और लोअर टाइम फ्रेम पर रिजेक्शंस का वेट। इस तरह से हमने आज के लाइव ट्रेड के थ्रू आपको हायर टाइम फ्रेम पर मार्किंग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को मार्क करना बताया है। आप इस वीडियो को बहुत आराम से ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन उठता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, जरूर से जरूर हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। और अब हम बढ़ते हैं आज के अपने लाइव ट्रेडिंग सेशन। हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स। MGL को आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं एंड इसके अंदर एक हमने शॉर्ट पोजीशन अपनी बनाई हुई है 841.10 पर। ब्रेकआउट्स काफ़ी अच्छे अच्छे हो रहे हैं, इसके नीचे भी अगर प्राइस बढ़ा चला जाएगा तो मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे मूवमेंट होंगे। और आज का जो हमारा टारगेट लेवल है 822.90, ये मेरा टारगेट है आज का। सो ये तो सपोर्ट लाइन है, इसको डिलीट करते हैं। तो आज का जो एंट्री लेवल है 841.10 का एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस 844.55, ये मेरा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस नहीं, ये स्टॉप लॉस मेरा, ऑर्डर बुक ओपन कर लेते हैं। इस स्टॉप लॉस में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। एस्प्रेसो, ओके तो ऑर्डर बुक ओपन करते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो मेरा लगा है 845.25, ये स्टॉप लॉस है। और इस वक्त की जो पोजीशन हमारी रनिंग है 800 क्वांटिटीज हमने शॉर्ट की है 841 की रेंज पर। तो 841.1015 की रेंज के बीच पे हमको हमारे जितने भी ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हम लगा देते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा कंट्रोल, ये देखिए ₹1 की रेंज का फर्क है। जस्ट हमारे जो स्विंग हाई है इस ब्लैक वाली कैंडल 936 के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है 845.25, यही मेरा स्टॉप लॉस का एरिया है। अभी वापस हम लोग चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। देखिए बहुत सिंपल एनालिसिस थी हमारी आज की। MGL आप सभी लोग जानते होंगे काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है ये, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट इसके अंदर होते हैं। इसकी खास बात यह है कि अगर आपके पास कैपिटल भी कम है ना तो MGL को आप काफ़ी अच्छी कम कैपिटल के साथ में भी इसके अंदर से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कैपिटल आज मेरी रिक्वायर्ड नहीं हुआ इसके अंदर। आज हमें 1.5 लाख से कम में भी लगभग 1,35,000 या 40,000 के आसपास का जो मेरा मार्जिन है वो यूज़ हुआ था। तो 800 क्वांटिटीज हैं, काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर हमारा बैठेगा। और अगर इस रेंज तक भी हम अगर आ जाते हैं 822.90 पर तो लगभग ये 20 पॉइंट बनते हैं। एंड 800 × 20 अगर हम करें तो 15,000 से ज़्यादा का हमारा प्रॉफिट आज बैठता है। देखिए 18 पॉइंट हमारे बने, तो वही लगभग 14-15,000 रुपये का प्रॉफिट। अगर मार्केट हमारे पॉइंट्स तक आती है, टारगेट देती है, तो 14-15,000 रुपये का प्रॉफिट आज की मार्केट में हमको हो सकता है, बन सकता है। ये तो हो गई एक बात। अभी मेन टॉपिक पर आते हैं कि MGL को हम किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, क्या हमारी एनालिसिस है, लोअर टाइम फ्रेम एंड हायर टाइम फ्रेम इन दोनों पर कैसे हम प्राइस को रीड कर रहे हैं। देखिए हर बार हम ये चीज़ बोलते हैं एंड आज वही पॉइंट बोलेंगे। एनालिसिस एक जगह पर है अपनी, लेकिन आपका जो मनी मैनेजमेंट है और जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है ये आपके फेवर में हमेशा होना चाहिए। कभी भी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करोगे। आज भी देखिए जो हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया है, असल में ऐसे देखा जाए तो हमारा 3,000 रुपये से ऊपर के स्टॉप लॉस नहीं आना चाहिए। और आज का जो स्टॉप लॉस मेरा लगभग 3,200 या 3,300 रुपये के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन ठीक है, एक सेफ अगर स्टॉप लॉस हम देखते हैं तो देखिए लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अपना ये वाला जो स्विंग मार्केट है ड्रॉ किया है इसके ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया है। तो 845.25 लगभग वही 3,300 या 3,400 रुपये के आसपास का मेरा रिस्क बन रहा है। तो ठीक है 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है 200-150 रुपये का चल रहा है, कोई बात नहीं, उतना होगा, हम उसको लेकर के चलेंगे। लेकिन ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि 3,000 रुपये का रिस्क है मेरा और हम वो 4,000-5,000 का हो रहा है, या 3,000 का रिस्क है तो अभी वो 1,500 का और 2,000 का हो रहा है। फिक्स है, जितनी भी चीज़ें सारी की सारी हमारी फिक्स्ड है। और इस वक्त भी हमको मार्केट से यही देख करके लग रहा है कि प्राइस अपने इन सपोर्ट्स के नीचे है। अगर इसने क्लोजिंग की है तो इस रेंज के नीचे भी इसके चांसेस हैं कि प्राइस हमारा मूव हो सकता है। देखिए हायर टाइम फ्रेम पर हम चलें, और एक चीज़ हमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर अपनी एक इंपॉर्टेंट कैंडल डिफाइन करनी है, एक इंपॉर्टेंट रेंज डिफाइन करनी है। अभी देखिए आप इस तरह से इस चीज़ को समझिएगा। आप मान लीजिए कि किसी एक ट्रेड को हमें एग्जीक्यूट करना है, हमें क्या करना होगा ना, एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, या तो रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करनी, बिकॉज जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने की जो जगह होंगी वो वही वाले पॉइंट्स होते हैं, या तो एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट पॉइंट। अब अगर हमें अपने इन रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट्स तक पहुंचना होगा तो कौन कौन से माध्यम है, कैसे हम पहुंच सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम अपने रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि इक्विटी के अंदर जैसे ही हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं स्टॉक हमारे अगेंस्ट में चला। आप ऐसे इस चीज़ को समझो,
स्टॉक आपके फेवर में तभी जाएगा या फिर स्टॉक आपके अगेंस्ट में तभी जाता है जबकि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करोगे, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पर ही आप आए, आपने एक किसी एक कैंडल को देखा, उसके ऊपर आपने बाई कर लिया, ट्रैप हो जाएगा ना। हम हर बार बोलते हैं कि मार्केट में जो पैसा आता है वो मेरा आपकी जेब में जाएगा और आपका पैसा मेरे पास, ऐसे ही एक्सचेंज चलता रहता है, बाहर से कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। जो जितना स्मार्ट होगा फिर मार्केट के साथ में वो चलने की कोशिश करेगा। हम लोग इतने बड़े ट्रेडर नहीं हैं, हम सभी लोग क्या है, एक रिटेल ट्रेडर हैं, हम मार्केट को ट्रैप नहीं कर सकते। हाँ, ट्रैपिंग को समझ सकते हैं, कहाँ पर ऑर्डर फ्लोज ज़्यादा हो रहा है, अपनी वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स के आधार पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कहाँ पर वॉल्यूम्स ज़्यादा शो कर रही है मार्केट। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है कि एक हम स्विंग पर जाएंगे। अभी ये जो स्विंग्स होते हैं, स्विंग्स एक्चुअली क्या करते हैं ना, एक तरह से हमें एक हाई पॉइंट्स मार्क करके दे देते हैं कि प्राइस इस रेंज से ऊपर नहीं जा पा रहा है, मतलब कि यहाँ पर कहीं ऑर्डर लगे होंगे, यहाँ पर कहीं ऑर्डर लगे होंगे। अभी जो आप कोशिश करिए इस ऑर्डर फ्लो के पास में, अपनी इस रेंज के पास में ही अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर मार्केट गई तो इसका मतलब कि यहाँ से ट्रेंड चेंज ही हो। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो स्टॉप लॉस भी जो हमको लगाने हैं अपनी इन रेंजेस के पास में लगाना पड़ेगा अपने आइडेंटिफिकेशन के बाद में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है कि जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे ना वो डेली टाइम फ्रेम पर अपनी एक रेंज आइडेंटिफाई करने के बाद में ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। अब जैसे यहाँ पर हम आ गए, जितनी भी लाइन से ना हम चलिए सबको डिलीट कर देते हैं, सारी डिलीट है। यहाँ से देखिए बहुत सिंपल वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ से प्राइस के अंदर ये ट्रेंड आया है, बेसिक चीज़ है बिल्कुल, प्राइस के अंदर ये वाले मूवमेंट आए हैं और इस मूवमेंट के बाद में प्राइस ने हाई कहाँ पर लगाया है, अपने इस वाले पॉइंट पर, मतलब यहाँ से प्राइस बढ़ा नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कैंडल्स अप साइड की तरफ गई है ना, इसके अंदर क्या हुआ है, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं, एक के बाद एक वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं, मतलब प्राइस हमारा अप साइड की तरफ गया है और वॉल्यूम्स भी बढ़ी हैं। यहाँ पर देखिए 2 फरवरी की वॉल्यूम 288 है और यहाँ पर 300 हो गई है, यानी कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई हैं, हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस मेरा अप साइड की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तो हमने स्विंग हाई मार्क कर लिया और इस पूरे ट्रेंड के दौरान जो लास्ट हमारी कैंडल बनी है ग्रीन वो वाली है, ये वाली कैंडल 842.20, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया मेरा और ये एक स्विंग हाई बन गया। आज ही ट्रेड किया ना इसको, हमने कल क्यों नहीं ट्रेड कर दिया, उससे पहले ट्रेड क्यों नहीं कर दिया, ये आज मेरे स्विंग हाई पर आया, ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है। एक चीज समझ में आई, हमने रेंज का वेट किया और ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए अपने लेवल्स तक आ जाने के प्राइस का वेट किया। अब आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आ जाओ और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आने के बाद में देखो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन की जगह कौन सी बनी और एग्जैक्ट जो यहाँ पर इस रिवर्सल आया है वो 858.90 के लेवल से आया, जो कि मेरा एक स्विंग हाई था। यहाँ पर देखिए ये अपना स्विंग हाई था डेली टाइम फ्रेम का, यहाँ से मार्केट मेरी नीचे की दिशा तक आई, एक ये हाई एक ये लो, और जैसे ही प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया एक रिट्रेसमेंट और प्राइस वापस से मेरा नीचे, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला लेवल अपना एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये हाई अपना एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जस्ट हमने क्या किया, स्विंग हाई को मार्क किया है डेली टाइम फ्रेम पर। कोई अगर बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं करनी, सिंपल में एनालिसिस करनी है आपको, आप स्विंग हाई को मार्क कर लो। यहाँ पर देखो प्राइस की एक्टिविटी क्या हो रही है। अब हम चले जाएंगे सीधे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एंड लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस के अंदर जो हर्डल्स बने हैं, प्राइस अप से डाउन साइड की तरफ मेरा आया, अप से डाउन मूव और यहाँ से इसका एक हर्डल। प्राइस ने जैसे ही अपना ये लो ब्रेक किया इसके अंदर हमने अपनी कैंट्री ले ली और स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। बिल्कुल सिंपल है, फिर से हम बताएं आपको, देखिए डेली टाइम फ्रेम पर एक आपने रेजिस्टेंस मार्क किया, रेजिस्टेंस मार्क करने का तरीका भी हमने आपको बताया, एक रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया, हमने वेट किया कि प्राइस हमारा हमारे इस जोन इस लेवल तक आए और इसके अंदर की हम एक्टिविटी देखें, प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है, अपने हाईज ब्रेक कर रहा है फिर लोज ब्रेक कर रहा है। सिंपली हम देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ से अपने लोज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और छोटी 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 कैंडल्स इसने फॉर्म की। और यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, इसमें प्राइस अपनी इस एक मदर कैंडल के अंदर है और लोज अप साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देख रहे, एक तरह से यहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है कि यहाँ से प्राइस में बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही का मतलब कि लोज देखिए अप साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक लो यहाँ पर लगा, एक लो यहाँ पर लगा, फिर यहाँ लोज अप साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कि एक तरह से ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रही है मार्केट। और जैसे ही प्राइस हमारे इस जोन के नीचे निकलने की कोशिश करती है, हम इसके अंदर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो अपना स्टॉप लॉस बना वो जस्ट अपना स्विंग हाई के पास अपना स्टॉप लॉस एंड 841 के अपना जो एंट्री पॉइंट था वो 841 था, क्लियर। तो 841 को हम रख देते हैं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं।
क्लियर ना। हमने क्या किया, हायर टेंपिंग, यहाँ से देखिए प्राइस के अंदर रिजेक्शन किस तरह के हुए हैं, और इसके बाद में प्राइस के अंदर जो अपने टारगेट्स लगाएंगे वो जस्ट क्या होगा, मेरे जो स्विंग्स होंगे, स्विंग्स के पास में अपने टारगेट्स आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए स्विंग्स इन द सेंस के पांच को प्राइस ने सपोर्ट्स कहाँ कहाँ से लिए हैं, 5 तारीख के जो लोज लगे हैं कहाँ कहाँ से लगे हैं। हम इसके नीचे भी अपने टारगेट्स रख सकते थे, यहाँ पर रख सकते थे, यहाँ पर रख सकते थे। तो देखिए एक ये स्विंग अगेन हाई, स्विंग अगेन है, और प्राइस ने एक फेक ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ दिखाया और वापस से प्राइस हमारी रेंज के अंदर आ गए। अब इसके अंदर जो अपने टारगेट्स हम बुक कर सकते हैं वो अपने स्विंग लोज पर, सिंपल है। तो अभी हमने जो भी अपने टारगेट्स लगाए वहाँ तक प्राइस के आने का वेट करेंगे, एंड एग्जैक्ट इस एक पॉइंट पर 5,900 रुपीज के प्रॉफिट के साथ अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू करें, 6,200। ओके, तो कोई बड़ा मूवमेंट होता है या फिर हम कोई एक्टिविटी इसके अंदर कर दें तो आपको इन्फॉर्म करते हैं, अदरवाइज वेट करते हैं और देखते हैं आज की मार्केट में अपने लिए क्या रखा हुआ है। एग्जीक्यूट किया था इंडसइंड बैंक के अंदर शायद, तो उसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस चला गया, तो हमने वेट किया, स्टॉप लॉस चला गया, एग्जैक्ट चीज एमजीएल के अंदर आज हुई है। तो हमने वेट किया और हमको हमारा टारगेट मिला। देखिए टारगेट से ज्यादा ही प्राइस ने जो हमारा लो लगाया है, इसका लो है एग्जैक्ट 815.35 का, मतलब जहां से हम चाहते थे टारगेट बुक करना प्राइस उसके भी 10 रुपए नीचे गया है। हमारे जितने भी टारगेट लेवल से प्राइस वहां पर पहुंच चुका है, बट स्टिल अभी हम प्राइस से निकले नहीं, इसके अंदर बने हुए हैं एंड मूवमेंट इतने फास्ट हुए हैं कि कुछ भी करने का मौका नहीं मिला हमको यहाँ पर। तो अभी भी हम प्रॉफिट्स अपने ट्रेड्स के अंदर रनिंग है, 820 को शॉर्ट करके भी बैठे हुए हैं। ये जो मूवमेंट मार्केट ने किया है इसकी उम्मीद हमको लग रही थी, बिकॉज ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो वॉल्यूम आई है मॉर्निंग की ओपनिंग के बाद में, ये वाली जो रेंज हमारी बनी थी इसके ऊपर हमारा प्राइस नहीं निकला था और इस रेंज के अंदर ही था। उम्मीद ये थी कि प्राइस अगर अपना ये वाला स्विंग ब्रेक कर देता तो मूवमेंट अच्छी मिलेगी, जो कि आज की ऑलरेडी हमारा जो टारगेट था 823.15 था और पूरा का पूरा टारगेट से ज़्यादा हमको अचीव हुआ यहाँ पर। तो चुपचाप अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ज़्यादा ग्रीडी नहीं होंगे। तो इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 17,300 के अराउंड हम प्रॉफिट के अंदर बने हुए इसके अंदर, और अभी भी प्राइस हमारा रन हो रहा है कॉन्ट्रोल्स। फिलहाल अब ये पॉइंट्स सपोर्ट बन सकते हैं मेरे लिए, काम करते हैं। पहले यहाँ चलते हैं ऑर्डर बुक में, एंड ऑर्डर बुक में जाके सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर चलिए कैंसिल करते हैं हम लोग। कैंसिल करना है इसको, ओके कैंसिल हो चुका है। और अब पोजीशन बुक में जाते हैं, स्क्वायर ऑफ एनएससी 18,000 का प्रॉफिट हमारा रनिंग है इस वक्त का। ऑर्डर ने प्लेस कर दिया है, लीजिए सारे ऑर्डर भी निकल चुके थे, 818 पॉइंट ऑर्डर बुक एंड 818.55। चलिए जितने भी ऑर्डर्स थे सारे के सारे हमारे निकल गए हैं, एंड अभी पोजीशन बुक में चलते हैं, 18,000 का प्रॉफिट है, परफेक्ट। तो ओवरऑल जो आज का हमारा प्रॉफिट है 18,000 प्लस का प्रॉफिट है, एंड ऑर्डर बुक से जाकर के एक बार हम यहाँ पर एग्जिट पॉइंट्स को वापस से कॉपी कर लेते हैं। 800 क्वांटिटीज जितनी थी सारी की सारी हमारी निकल गई हैं, एंड ये अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर था, सो स्टॉप लॉस ऑर्डर भी अपना कैंसिल हो चुका है पूरी तरह से, एंड बाइंग की जितनी क्वांटिटीज थे सारी की सारी हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो एक ठीक ठाक प्रॉफिट, एक डिसेंट सा प्रॉफिट हमको इंट्राडे के सेशन के अकॉर्डिंग मिला है। प्राइस रेंज तक गिर जाने के बाद में देखिए पूरा हमारा साइडवेज हो गया था यहाँ तक, और जैसे ही प्राइस ने इसका ब्रेकआउट दिया है मूवमेंट आपके सामने, एक अच्छा प्रॉफिट हमने एनजीएल के अंदर से बुक किया, 18,000 के अराउंड हमारा प्रॉफिट है ओवरऑल आज का। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ समझने की कोशिश की होगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, समझने वाली जो चीज़ थी वो था हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस। हायर टाइम फ्रेम पर जब हम देख रहे हैं कि प्राइस हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट से डायरेक्ट नीचे की दिशा तक गिर गया था, और अगेन वापस प्राइस हमको आज उसी लेवल पर उसी पॉइंट पर मिला है, और इसके अंदर जो हाईज हैं वो प्रोटेक्ट कर रही है मार्केट लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, बिकॉज जैसे ही मार्केट अपनी रेंज पर आई है, अगर वीडियो शुरुआत से आपने देखा है तो आपको मालूम होगा ये कुछ एक पॉइंट था जो हायर टाइम फ्रेम का था। प्राइस जैसे इस रेंज के ऊपर गया इसके अंदर देखिए रिजेक्शन मिला और अगेन प्राइस हमारा उस रेंज के नीचे आ गया, फिर यहाँ पर आया और देखिए यहाँ से प्राइस ने क्या किया था, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अपने स्विंग्स ब्रेक किए थे,
वॉल्यूम्स के भी कन्फर्मेशन थे। अब वॉल्यूम्स के कन्फर्मेशन को आप समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये जो चलिए मार्किंग्स जितनी भी इनको सबको डिलीट कर देते, इनका कोई काम है नहीं, मार्किंग्स को हमने कर दिया डिलीट। अब प्राइस देखिए अप से डाउन साइड की, यहाँ डाउन साइड की तरफ गिरा। अब यहाँ पर जो मेरी वॉल्यूम्स है ना इस वाली कैंडल की ज़्यादा थी 927 की। देखिए 927 की अगर हम वॉल्यूम दिखाएं आपको तो आई होप, हाँ देखिए वॉल्यूम ज़्यादा है, इसकी कम है 924 की, 927 की ज़्यादा है। अब प्राइस हमारा हैवी वॉल्यूम से डाउन साइड की तरफ गिरा, मतलब स्ट्रांगली इसके अंदर गिरावट आई है। अब अगर प्राइस को क्लोजिंग अप साइड की तरफ करनी, मतलब अगर प्राइस को अप साइड की तरफ जाना है तो हाईस ब्रेक करने होंगे अपनी कैंडल्स के। तो देखिए इस एक कैंडल ने डाउन साइड की तरफ अपनी क्लोजिंग कर दी और इसके बाद जितनी भी ये दो कैंडल्स बनी इन्होंने रिजेक्शन ही अपसाइड की तरफ से दिखाया है हमारा। रिजेक्शन के साथ साथ इसने अपना एक स्विंग बना दिया और स्विंग होने के बाद में ये जो ग्रीन वाली कैंडल थी, अब ये एक पॉजिटिव वे की कैंडल है, मतलब ग्रीन कैंडल ने अपसाइड की तरफ क्लोज किया, यहाँ से प्राइस को अपसाइड की तरफ निकलना चाहिए। बट जैसे ही प्राइस ने ऊपर की दिशा में क्लोजिंग की वैसे ही प्राइस के अंदर देखिए वॉल्यूम्स भी आने शुरू हो गए और प्राइस मेरी डाउन साइड की तरफ चला गया। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड जो ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन।